हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ कद्दूकस किए हुए लौकी के साथ दलिया बनाने, जो बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है दलिया एक कटोरी, लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिए हैं एक कटोरी के लगभग है ये, दाल अरहर दाल मैंने लिए हैं, एक प्याज को मैंने कट कर लिए हैं, दो हरी मिर्च, और जैसे मैं मसाले डालूंगी वैसे आप लोग को बताती जाऊंगी। मैंने दो चम्मच रिफाइंड डाल करके गरम कर लिए हैं और उसमें जीरा डाल दिया है और हरा मिर्च डाल करके। आप देख सकते हैं गैस मैंने पहले से ऑन कर दिए थे, इसलिए जीरा तरक चुका है। अब इसमें आप ऑनियन जो कट किए हैं उसे डालिए और दाल डाल करके इसको अच्छे से भूनिए। उसके बाद मैं लौकी डालूँगी। आप देख सकते हैं हल्का सा भूरा हो जाए तब आप देख सकते हैं प्याज भून चुके हैं। इसमें आप अरहर दाल डालकर इसको हल्का सा भून लें, एक मिनट 10 सेकंड के लिए आप भून लें। उसके बाद में ये लौकी जो मैंने कद्दूकस किए थे आप भी डाल करके इसको अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं लौकी अच्छे से इसमें भून चुके हैं। अब आप इसमें दलिया डाल सकते हैं। दलिया भी अच्छे से आप थोड़ा सा भून लें इसे अच्छे से, इस तरह से मिलाते हुए धीमी फ्लेम पर ही ये प्रोसेस करें, नहीं तो जलने लगेंगे। बहुत यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दलिया बनता है। मैं एक और दलिया की रेसिपी डाली हुई हूँ, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सब्जी मसाला इसमें ऐड कर लें, इससे थोड़ा टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। टमाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और टमाटर ऐड कर ले, शिमला मिर्च अगर आपके पास हो तो उसे भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। अभी एक्चुअली मेरे पास उपलब्ध नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। लौकी भी डाल करके, ऐसे बच्चे लौकी उतनी पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस तरह से आप बना करके खिलाओगे हेल्दी भी है और आपके बच्चों को फ़ायदा भी बहुत करेंगे। इसमें अब आप नमक स्वादानुसार डाल लें, एक चम्मच से 1.5 चम्मच के लगभग आप नमक भी ऐड कर ले। अब थोड़ा सा ये भून जाएगा तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालकर सीटी दिलवा ले। आप देख सकते हैं सारी सामग्री भुना चुकी है अच्छे से। अब मैंने 1-2 गिलास पानी इसमें मैं ऐड कर लूँगी, इतना पानी इसके लिए पर्याप्त है। और आप 2 सीटी दलिया, ज़्यादातर पतला ही अच्छा लगता है, अधिक पतला ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गाढ़ी रहे अच्छी लगती है। 2 गिलास और 1/2 गिलास के लगभग मैंने पानी डाला है, लगभग 2.5 गिलास के लगभग ये पूरे पानी इसमें आ जाएंगे। अब आप ढक्कन लगा करके धीमी फ्लेम पे 3 से 4 सीटी दिलवाएं, उसके बाद मैं सर्व करते हुए आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दलिया बन चुकी है आप लोगों के लिए। आप लोग भी इसे प्लीज़ बनाएं और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। कैसा लगा वीडियो मुझसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।